हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट नेटवर्क। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे आज यहाँ पे 12 तारीख यानी कल 12/7 को बहुत सारे लोग यहाँ पे बेल्टन डीओ जो है गए थे बेल्टन ऑफिस, वहाँ से अधिकारी से मिलने के लिए। तो वहाँ से अधिकारी के द्वारा क्या क्या आश्वासन मिला, क्या क्या बोला गया, ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग इस रिकॉर्डिंग में सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि रिकॉर्डिंग पूरे 15 मिनट की है, आपको पूरा रिकॉर्डिंग सुनना है। इसमें आपको पता चलेगा कि LRC का लिस्ट कब तक पब्लिश होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो है पंचायती राज विभाग में जो अध्यक्ष ने गया है उसमें लोगों को कब तक ज्वाइनिंग मिल सकता है। साथ में यहाँ पे नगर विकास वाला जो गया हुआ है उस पर कब तक यहाँ पे ज्वाइनिंग आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको अब इस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है, इस रिकॉर्डिंग के साथ। और मैं बता दूँ कि जो भी लोग न्यू रजिस्ट्रेशन के इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग भी वीडियो पूरा देखना, आपको भी पता चल जाएगा एंड में कि न्यू रजिस्ट्रेशन जो है कब तक आपको देखने को मिल सकता है। तो इस रिकॉर्डिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सुनने को मिलेगा और समझने को मिलेगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग को आप पूरा ध्यान से सुनना है और साथ ही साथ जो भी लोग न्यू रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे हैं वो भी लोग अच्छी तरह से सुनना, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि न्यू रजिस्ट्रेशन कब तक हो सकता है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम क्या है सर? हम लोग का ज्वाइनिंग को लेकर प्रॉब्लम है सर, और जो 2019 वाले कैंडिडेट हैं अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुए, उसी के बारे में पूछना चाह रहे हैं सर। 2019 में पास हुए हैं, पास हुए हैं, इसमें क्या रहेंगे कुछ देखें हम लोग सर। LRC का लिस्ट कब तक जारी होगा? LRC का आया था बाबू, पर पत्राचार चल रहा है, मतलब हुआ था कि हो जाएगा, वहाँ से LRC को कुछ प्रॉब्लम है, समझे, तो सिलेक्टरी रोड पर चल रहा है पार्टी हम लोग का हुआ था कि एक बार पेट्रोल में आ गया, उनको बनाना है, उस बात तो सही है, और फिर जो वहाँ कुछ है सेक्रेटरी लेवल पर मंत्री मंडल होना है, मगर लोग अभी रुके हुए हैं सर। लिस्ट बना है कि नहीं सर? नहीं बना है, जब तक उधर से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा हमको, हम लिस्ट बनाएंगे। RTPS काउंटर वाला जो पटना वाला सीट आया है कि नहीं सर? लेटर निकला था कि बेल्टन को ID पासवर्ड का मांग के नहीं है, तो सर ID पासवर्ड अवेलेबल कराया गया कि नहीं सर? क्योंकि लेटर निकला था ऐसा है, सुनो तुम लोग हमको डिक्टेट करने आए हो? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम जो बता दिए हो तो ऐसा बात हमको मत करो ऑफिशियली, जो चीज हमारे पास नहीं आया है हम नहीं बताएंगे। लोग वहाँ गए थे ना, DM ऑफिस गए थे तो उसी दिन लेटर जारी कर, ऐसा कोई हमारे पास नहीं आया। हमारे पास लेटर है सर, कोई आया है लेटर? नहीं, पटना नगर निगम भी निकाल दिया है कि 800 आदमी की जरूरत है, और कहाँ आया हम लोग तक लेकर? नगर आवास वाला अभी तक पूरी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिला था, यूजर आई डी पासवर्ड पंचायती राज RTPS काउंटर के लिए पटना से। पंचायती राज कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट पटना। पटना तो बना हुआ ही है, बना हुआ ऑलरेडी बहुत पहले से। पंचायती राज में जा रहा है, लड़का लोग भी जा रहा है, काम भी कर रहा है, नहीं बात दूर है, यहाँ से नहीं भेजा गया है। इधर 32 सीट था, इधर का हम पूछ रहे हैं, जो भी लेटर निकल रहा है बार बार ये लेटर निकल रहा है वहाँ से निदेशक के यहाँ से, पंचायती राज निदेशक के यहाँ से, उसमें पटना का 32 सीट है, तो हम लोग वहाँ गए थे तो उसी दिन लेटर निकाले थे और बोले थे कि ऑफलाइन रिक्विजिशन हम भेज देंगे और जैसे ही ID पासवर्ड मिल जाएगा ऑनलाइन रिक्विजिशन भी हम भेज देंगे। तो ही पूछ रहे हैं कि अभी तक आया कि नहीं, बोला अभी तक नहीं है। तो ऐसी कोई संभावना सर कि कब तक आया? क्या संभावना पर क्या बोले, हम लोग को लगा कि LRC वाला आ जाएगा, बहुत लड़का लोग का कल्याण हो जाएगा, 800 वहाँ नगर निगम से आ जाएगा, तो हम लोग तो खुद ही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो ये पैनल तुम लोग खत्म हो जाए, उन लोग सबका उद्धार हो जाए, मगर सरकार से जब तक बेल्टन को रिक्विजिशन नहीं आएगा बेल्टन असमर्थ है करने में सर। तो हम लोग ये जो रिक्विजिशन है सभी जगह से भिजवाते हैं, उसके बाद अरे भिजवाते हो तो चलता है काम,
नहीं है, नगर आवास वाला 220 का रिक्विजिशन आ गया, यहीं से कंफर्म हुआ था। तो हम लोग वहाँ भी तो बोले, सर ही बोले थे कि क्या बोलता है मैपिंग को लेकर, मतलब थोड़ा चल रहा है मैपिंग का समस्या है इसमें। तो हम लोग गए थे नगर आवास विभाग गए थे, तो वहाँ बोले कि हम लोग को वहाँ डांटे कि तुम लोग किस लिए आया है, जो बिल्ट्रॉन को अगर जरूरत होगा तो हमसे संपर्क करेगा बोले थे, जबकि एक महीना पहले का बात है। और पंचायती राज वाला भी इतना ही है, दो तरह की बात है, हम लोग मार्केटिंग नहीं करते हैं। तो वो चीज हम मतलब विकास जाएंगे, बात सुनो, हम लोग के यहाँ मांगा जाता है रिक्विजिशन सरकार के द्वारा, हम लोग के यहाँ तो मार्केटिंग विंग नहीं बना हुआ है। हर विभाग में हम जाएंगे और हमको आप रिक्विजिशन दीजिए, ऐसा नहीं, यहाँ सिस्टम नहीं बना हुआ है। अगर मैं तुम बोल रहे हो, आरोप लगा रहे हो कि वो लोग हमसे मांगेंगे, वो लोग पूछेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। आरोप हम बस जानना चाह रहे हैं सर, आरोप ऐसा काम नहीं करती है। अगर सर जैसे इसको कहते हैं मार्केटिंग, बात समझो, इसको कहते हैं मार्केटिंग कि हम मार्केटिंग करेंगे जाके सब विभाग से, नहीं सर ये भी होता है सर। हम बेसिकली हम लोग यही जानना चाह रहे हैं कि हम लोग जितने भी कैंडिडेट है 2019 वाले में कितना तक का ज्वाइनिंग अभी बाकी है सर? लगभग 3000 बाकी होगा ना, 3000 सर। ये कब तक पूरा होगा, मतलब ऐसा कोई संभावना हो? अब यही पढ़ना, हम लोग बोल देंगे तुमसे, फिर तुम हमको बोलोगा कि आप बोले थे 2 महीने के बाद कर देंगे। हम लोग सीधा सीधी सरकार से बंधे हुए हैं, रिक्विजिशन आएगा हम फाइनेंस उठाएंगे दे देंगे। एक बात तुम लोग जान लो, किसी के साथ पूरा ट्रांसपेरेंसी है यहाँ सर। एक और बात जानना चाह रहे हैं, जैसे कि कोई अगर किसी और जिला का, गया जिला का कोई कैंडिडेट है, वो कैसा पता करेगा कि हम अपने जिला में कितने रैंक पे हैं? वो पता चल जाता है सर, कैसे पता करेगा? यहाँ पता करेगा, हम लोग नीचे में बार बार इंक्वायरी में आके पूछते हैं। अच्छा, तो वैसा केस किसी का होगा तो वो पता चल जाता है। उसी सब बस बेसिकली सर, बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं, उसमें तो हुआ था, हम जनरल कैंडिडेट हैं, हमसे बाद वाला का सेम डिस्ट्रिक्ट और सेम कैटेगरी, सेम कैटेगरी होने के बाद लग जाता है। हम पटना जिला के, हम पटना जिला के हैं सर, हमारे साथ डिप्रेशन होता है सर। ये सर डिप्रेशन आया कि 1600-1700 सीट आया हुआ अभी सर, हम लोग नहीं आया है बेटर के पास 1600। नगर आवास वाला तो आया है सर, सिर्फ मैपिंग का प्रॉब्लम है, वो तो बोला तो राइट वे में बस आए हैं। कुछ लोग और बोल रहे थे कि हम लोग जाके एक बार पूछ ले, बहुत सारे लोग तो बोल रहे थे कि जाके एक बार फिर से हल्ला हल्ला करेंगे तो नहीं सर, हम करने नहीं आए, सभी लोग मना किए हैं, हम लोग मना किए हैं सर, नहीं सर हम लोग मना किए हैं, पहले हम लोग पोलाइट वे में बात करने के लिए तो रोक रहा है। नहीं बस खाली यही जानना चाह रहे हैं सर कि आधार के लेकर बहुत अफवाह फैल रहा है कि 2 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा। पहले तो तुम नीचे बात कर लो ढंग से, जान तुम पॉकेट में चलाती करो। एलआरसी का बता दिए कि अभी चल रहा है सेक्रेटरी स्तर पर, समझे, और वहां से बात क्लियर होकर वह आएगा तभी होगा। ये हम तुमको नहीं बात बता सकते हैं कि एलआरसी का 4 दिन के बाद हो जाएगा, 5 दिन, जब हमारे पास है ही नहीं, तो हम जो चीज मेरे हाथ में नहीं है तुम कैसे बोल देते हो? 20 साल हो गए, तुम ही हमको पकड़ोगे क्या? तुम नहीं देते एलआरसी? आपका कहना सही है, आपका कहना सही है। एलआरसी का बात उठा है, एलआरसी का तुम ही नहीं बोले, पूरे बिहार लेवल पर बात चल रहा है कि बेल्ट्रॉन को इतना आया है। एलआरसी आज ही नहीं, जब पैनल ही जो बन रहा था उसी समय एलआरसी बोला था कि हम 4000 आदमी लेंगे, हम लोग बनाते ही नहीं 7000 का पैनल, हर साल हम लोग एग्जाम करते 2000 क्लियर करते जाते, वही के कारण राहुल सिंह बना दिए कि 4000 तो मेरा ऐसे ही निकल जाएगा। अब देखो क्या हुआ, 534 लिए, उसमें से 112 बैक हो गया हो ना, अभी कितना है 1068 आना है कि 1167 कुछ भी हो नहीं आया अभी तक। सब लोग तो खुद खुश थे, आ जाएगा तो सारा कुछ लड़का लोग का कल्याण हो जाएगा। तो सर उस पर सर एक लेटर निकला था जो 5 प्रेफरेंस में से करके अब लिया जाएगा एलआरसी में, एलआरसी से लेटर निकला जो मीटिंग क्लियर हुआ था 22 तारीख को, तो नहीं हुआ, आगे काम नहीं बढ़ा। बाबू हम लोग भी उसमें लगे थे, कमेटी भी लगी थी, कमेटी भी लगी। अच्छा सर एक चीज और है, एक और लेटर पंचायती राज से निकला था कि पीआरडी का बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट से सीट यहाँ पर आया हो, नहीं वो हम लेटर सब उतना आता है कोई जिसे एकदम ज्वाइनिंग रुका हुआ है सारे बहुत नहीं मोबाइल नीचे कर दीजिए, आप मोबाइल उठाइए।
बेसिकली सर वो बात नहीं है सर, हम लोग जानना चाह रहे हैं कि हम लोग बहुत प्रेशर में हैं। तो कितना बात जानना चाहते हो सर? सब बात बता दिए, फिर बोलते हम लोग जानना चाहते हैं। एलआरसी बता ही दिए, तुमको नगर विकास का बता ही दिए। क्लियर कहाँ हुआ सर? वो हम लोग जानते हैं कि खत्म आया हुआ है, और आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आया हुआ है। तो जो हमको जानकारी है, हम तो दूसरे सर ही बोले थे कि रिक्वेशन आया है, मैपिंग का प्रॉब्लम है, उसी लिए हम लोग गए थे। मैपिंग का क्या प्रॉब्लम बताइए? पहले लड़का जाएगा, लड़का वही बोलेगा, वही बोले ना कि जिला वाइज दे दिया गया है। जो हम लोग मांग एक ही साथ मांग रहे हैं, एक ही साथ सबका पैनल तैयार करके। सर मैपिंग का बात कहाँ से है? पहले लड़का वहाँ जाके ज्वाइन करेगा, उसके बाद ना मैपिंग होगा कि मैपिंग पहले ही हो जाएगा कैंडिडेट का, ये बताइए। क्लियर मैपिंग रहेगा तभी ना। क्लियर मैपिंग आप डिस्ट्रिक्ट में कौन लड़का कहाँ ज्वाइन करना है? मैपिंग से आप गलत समझ रहे हैं। वही तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि मैपिंग कहाँ से आ रही है। मैपिंग कब होता है? जब कैंडिडेट ज्वाइन करा जाता है, उसके बाद वहाँ से उसका आता है एबसेंटी, तब जाके यहाँ मैपिंग होता है। क्योंकि नगर आवास वाला भी रिक्वेशन अभी तक नहीं आया। अब हम लोग कैसे बता दें? आप यहाँ का हमको ई ऑफिस नंबर बताइए, डिस्पैच नंबर बताइए, तो हम मानेंगे कि यहाँ पे आया हुआ है। सर ऐसे अभी तक मतलब लेटर नंबर है ना? लेटर नंबर बताइए। नगर आवास वाले सर, आप जो सर बोले थे वो नगर आवास वाला रिक्वेशन आ गया है, थोड़ा बहुत समस्या के चलते नहीं बन रहा है। विजय सर, समीर सर, सर विजय सर से बात हुआ था सर, इसी के लिए हम लोग। विजय सर नहीं ना भाई, विजय सर नहीं है, उनके जगह पर आए हैं विकास तिवारी, प्रॉपर ज्वाइन नहीं किए। ज्वाइन हो गया सर अभी, कर लिया ये है, आधा अधूरा हुआ है, उनका मन नहीं बन पा रहा है, बहुत सारा काम पेंडिंग भी हो गया है, उनके जगह पर आए हैं, क्या बताते हैं सर। तो हम लोग लास्ट कब तक उम्मीद भाई? हम लोग सर हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बेरोजगारी सब बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी जो बेरोजगार है हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए। तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन होना चाहिए बात है, मगर अब तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन हम लोग पर क्या निकालो? नहीं सर काम जानकारी, तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग सुन लो बताओ, और उसका वे ऑफ टॉकिंग, ये दोनों लड़का का आसमान जमीन का अंतर है। बात किसी चीज का समस्या का समाधान बात से होता है, रंगदारी से नहीं होता है, समझे? तुम लोग का जो बोली है, एक तो तुम लोग चारों को हम बुला के कैसे तुम आ गए, ये ही गलती बात है सर, माफ कीजिएगा सर, समझे? तो ये बात बता दी है, तो किसी से बात करो, ढंग से बात करो, क्या करो सर। अच्छा कोई बात नहीं, समझो भी तुमको समझा दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में हमको दिल्ली में डिप्रेशन जाने का, मतलब जब डिप्रेशन में हो तो जब होगा तभी ना, अपने के बाद वाला जब हो जाता है ना सर, थोड़ा सा और सर बहुत दिक्कत है सर, जाते हैं छोटी छोटी बातें, चार लड़का बहुत दिक्कत कर रहे हैं, एकदम छोटी छोटी बातें हैं सर। पहला ये था कि कोई भी जिला में कोई भी कैंडिडेट है, उसके बाद वाले उसी के सेम डिस्ट्रिक्ट और सेम कैटेगरी का कैंडिडेट हो जा रहा है। शिकायत हम लोग को क्या बोले जाए भाई, अब नया प्रभारी आएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, चल जाते तुम लोग, हम लोग अभी कुछ नहीं, ऐसा जो तुम लोग पूछे हुए राशि के बारे में बता दिए तुम लोग, दिक्कत तो ज्यादा जानकारी सर ये एक छोटी सी बात है बस, खाली ये कि कोई भी किसी जिला का आदमी है कि उसको बस उस कैटेगरी में कितना रैंक पे है वो खाली बताएंगे, अभी नहीं बता सकते सर, ये हर बार क्वेश्चन है सर हम लोग, ये अरे अभी नहीं कह सकते ना, नया पदाधिकारी आया है, नया ज्वाइन किया है, उनको कर लेने दो, उसके बाद तुम लोग बात कर लेना। हाथ जोड़ के विनती है सर, किसी तरह से पता करो, अबे अगर हम रहेंगे तो करवा देंगे, कोई ठीक है, कल हम ही नहीं रहे ऐसा नहीं सर आप। अरे भाई बहुत दिक्कत है यहाँ भी, बात संभव, हम लोग का भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ, समझे? अभी पदाधिकारी आ गए हैं तिवारी जी, अगले सप्ते तक आप लोग मिल लीजिएगा, अगला सप्ताह उनसे मिल सकते हैं, मिल लीजिएगा, बता दीजिएगा, हम तो आपको जो सच्चाई है बता दिए, उससे ज्यादा आपको जानकारी लेना है तो मिल लीजिएगा जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद।